अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राई की रेसिपी जो व्यूअर्स रिक्वेस्ट थी, और ये क्रिस्पी और टेस्टी चिकन फ्राई आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसे अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 पिंच के करीब हम इस्तेमाल करेंगे रेड फूड कलर। रेड फूड कलर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये सभी मसाले हम चिकन में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये चिकन को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, और अच्छी तरह से अब हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून मैदा। इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे और एक कोटिंग आ जाएंगी चिकन के ऊपर। हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है मैदा और कॉर्नफ्लोर का, ताकि चिकन का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से आए। तो बस हमें 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून ही ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब 10 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेट होने देंगे और 10 मिनट बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर वो ऐड कर रही हूँ। आप इसे पहले ही ऐड कर दीजिएगा, 1/2 टीस्पून जितना मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, या आप क्रश्ड किया हुआ अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और 10 मिनट बाद चिकन को हम फ्राई करेंगे। तेल मैंने अच्छी तरह से गरम होने दिया था। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हम मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। तीन से चार मिनट तक हमें फ्राई होने देना है, फिर हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे। अलट पलट करते हुए हमें लगभग 8 से 10 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चिकन जो है वो दोनों तरफ से फ्राई हो रहे हैं, और 10 मिनट में चिकन अच्छी तरह से गल भी जाएगा। ज़्यादा पीसेस मैंने चिकन के बड़े नहीं रखे हैं, तो ये आसानी से गल जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बन पेपर पर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी सभी चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और इजी चिकन फ्राई की रेसिपी बनकर तैयार है, जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।